आदाब नमस्कार, मैं हूं अली अजहर और आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं टू द एमके शो। जी हाँ, ये एमके शो ही है, ये अली अजहर शो नहीं है। सबसे पहले तो जोरदार स्वागत होनी चाहिए आज के सेलिब्रिटी गेस्ट का। जी हाँ, वन एंड ओनली अली अजहर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जानता हूं आप लोग बहुत उत्सुक होंगे उनसे मिलने के लिए जिनका ये शो है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के एंकर, आज के नहीं हमेशा के एंकर, द वन एंड ओनली मुकेश खन्ना जी का। आप आए या प्रकट हुए? नहीं, प्रकट ही हुए होंगे, शक्तिमान जो है। सॉरी यहां आपकी जगह बैठ गया था मैं। आई नहीं, पहले आप बैठिए। नहीं, आप बड़े, आप बैठिए प्लीज, ये मुझसे गलती हो गई। क्या करूं सर, मैं कंट्रोल नहीं होता क्या, ना कुछ करते रहने की। आर्टिस्ट को हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। सॉरी, मैं गुस्ताखी माफ, वो क्या है थोड़ा कुछ ऐसे, जब तक ये सब ना करो ना सर। तो सर मुझे वही बोलना था कि आपने पहली बार मेरे शो में मैं इंट्रोडक्शन कर करके पागल हो गए, आइए मिलते, आज ये मिलाऊंगा वो मिलाऊंगा। आज किसी ने मेरे को ही मेरा ही इंट्रोडक्शन कर दिया, सो यू नो क्रेडिट गोज टू यू। मैं पहली बार अपनी ही ऑफिस में मेरा स्वागत किया गया। सो दिस इज अ पर्सन जिसका नाम है अली अजहर। ये क्या कब कर जाएंगे मालूम नहीं है। अभी हमने एक फिल्म की थी जबलपुर में, वो छोटे से सीन में हमने कम से कम 6 चेंजेस कर डाले बिफोर द कैमरा स्टार्ट। ऐसा कर लेने, मतलब ऐसा कर लेने, ये तब होता है जब एक्टरों का कोऑर्डिनेशन होता है। कॉमेडी बहुत थिन लाइन है बिटवीन बफूनरी एंड रियल कॉमेडी। अब ये जो करते हैं इसमें कहीं बफूनरी नहीं दिखेगी क्योंकि ये दिल से करते, अंदर से करते। तो आपने बड़ी अच्छी तरह से अपने को उठ के आपने कहा कि स्वागत है, करिए मेरा वन एंड ओनली वन। Yes, you are one and only one. Yes, sir. तो मैं चाहता हूँ one and only one आपसे मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपके आपका कोई स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा इंडिया में। You are one and only one. Sir. So I have to be very 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 clear. तो मैंने CBI से बहुत कुछ निकलवाया आपके बारे में। अच्छा। हाँ, कहाँ से आया, किधर से आया, क्या करता है, काम किया उसने, ताकि मैं कहा कि बिकॉज हमने काम बहुत कम किया आपने एक साथ में, बट जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से। बेशक। तो हमने आपके लिए एक प्रॉपरली रिसर्च करके सवाल निकाले हैं। तो पूरा टेक्स्टबुक लेके बैठे हैं आप, क्योंकि आपका टैलेंट ही टेक्स्टबुक के लायक। तो मैं शुरू करूं प्लीज सर। ओके सर, अली अजहर जी, आपको एक कॉमेडियन अभिनेता के रूप में लोगों से बहुत प्यार मिला। आप जब जब स्क्रीन पर आए खूब गुदगुदाया, खूब हंसाया है, कभी कभी इमोशनल भी किया है। पर आज हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था, क्योंकि आप अभी भी, अगर मैं बोलूं आपके फेस के हिसाब से, तो अभी भी आप बड़े नहीं हुए, अभी भी आपके चेहरे पर वो जैसे कि वो मास्टर राजू है, अभी तक वही फेस लेके बड़ा हो गया। आपके चेहरे में भी अभी लगता नहीं कि आप मैच्योर हो गए, अभी भी वो भोलापन बचपन दिख रहा है। तो क्या आपका ये बचपन ऐसा कैसा था, क्या मस्ती चुलबुलापन था बचपन से आपके अंदर में जो आप करते हैं? घर के हालात कैसे थे, सामान्य थे कि कैसे थे? सब मैं बचपन से ही ऐसा हूँ सर, ये ऐसे ही बिल्कुल यही था, यही शौक था। हम उस दूरदर्शन के टाइम एरा के हैं सर। यस यस। तो सैटरडे संडे जो फिल्म देखते थे सर, वो मंडे को स्कूल में जा करके कहानी सुनाते। हाँ, वो शम्मी कपूर साहब के गाने और ये तारीफ करूं ये। और मेरे इंस्पिरेशन या जिनको ऑनेस्टली ये टाइमिंग अगर आप बोलो, अगर मुझ में है सर या जो कुछ भी सीखा है, तो दैट इज वन एंड ओनली महमूद साहब सर। महमूद साहब, अच्छा, महमूद साहब, उनकी फिल्में। आप बिलीव नहीं करोगे सर, मेरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का पेपर था सर, एग्जाम चला था, मैं हर वो काम करता था जिससे मैं पढ़ाई से दूर रह सकूं सर। अच्छा। मैंने बहुत सारी कोशिशें की कि मैं स्कूल में भी सर सारे एक्टिविटीज में पार्ट लेता था, ताकि मैं क्लासरूम से छुट्टी मिल जाए। हाँ, वो आफ्टरनून में जब लंच ब्रेक होता था सर, उससे थोड़ा पहले और स्कूल छूटने से पहले भी मैं कोशिश करता था सर कि वो RSP वगैरह, हम स्काउट डैन वगैरह बनते थे, NSC। हाँ, तो वो RSP में भी था, तो उसमें रोड क्रॉस करने के लिए 15 मिनट पहले क्लासरूम से पार चले जाते थे।
कॉन्वेंट सेक्शन ये था कि दूर रहो सर। कॉन्वेंट सेक्शन में क्रिसमस वगैरह में से सेंटा क्लॉज बनने का शौक था सर। सेंटा क्लॉज के लिए परफेक्ट कास्टिंग है। तो सेंटा क्लॉज बनता था सर इसलिए ताकि क्योंकि सेंटा क्लॉज बना करके क्लास हमारे सेक्शन में भी और कॉन्वेंट सेक्शन में भी जहाँ लड़कियां है तो वहां जाने का एंट्री, भी, एंट्री मिलती थी उनको चॉकलेट देने का ये वो बट क्या कहते हैं नॉट अ मस्ती के मूड में सर मतलब हेल्दी मूड पूरा हेल्दी वो था पूरी टीम थी सर। मैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का पेपर था सर मेरा मैं आई डिड ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस मतलब मेरी पढ़ाई वगैरह भी बहुत यहाँ वहाँ हुई है सर पॉलिटिकल साइंस की फिर उसके बाद कंप्यूटर्स किया उसके बाद केटरिंग की सर अब अपनी एक्टिंग इंडस्ट्री में सही जगह पे तो उस वक्त नील कमल फिल्म टीवी पर आ रही थी सर वही जो राजकुमार और उनकी जी हाँ उसमें महमूद साहब थे मैं अरे बदल नाम थी देना तू माँ वैसे तोतले मन के वो भगत याम की मैं ना तू माँ ये मेरा कहना होगा तो सर वो किताब बंद और 3 घंटे वो बैठ करके वो पूरी फिल्म देखी सर दूसरे दिन पेपर देने नहीं गया मैं ये मतलब इतना महमूद साहब से मैं इम्प्रेस वो था कि अच्छा वो डीडी था सर रिपीट वैल्यू नहीं होती थी एक बार वीसीआर तब तक वीसीआर बहुत बड़े घरों में वीसीआर हुआ करता था सर आपको वो वीएचएस नहीं मिलेगी वीएचएस नहीं मिलेंगे सर तो अगर वो मिस हो गया तो मिस हो गया सर तो अब एक फिल्म देखते तो वो हाँ तुम बैठ कर महमूद साहब को वो बराबर से देखा महमूद साहब की बात निकाली तो मेरे दिमाग में एक आया एक पूरी पूरी फिल्म में उनका एक ट्रैक होता था हीरो हीरोइन के साथ में एक सुबह कोटे और इनका भी ट्रैक बिल्कुल आपको कई लोग महमूद साहब की तारीफ करते हैं आपको क्या लगता है टाइम उनकी ग्रेट थी या उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ग्रेट था या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी व्हाट वाज द प्लस पॉइंट ऑफ मिस्टर महमूद साहब कंप्लीट पैकेज ही वाज कंप्लीट पैकेज बिकॉज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी मुकेश सर उनके साथ काम करने का उनके अंडर लास्ट फिल्म हाँ जो उन्होंने बनाई थी दुश्मन दुनिया का दिस इज आई थिंक 92-93 बिफोर ही डाइड या बट उस वक्त भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी बट स्टिल दैट एंथू वो बेचारे वो सिलेंडर लेकर के ऑक्सीजन का उनको प्रॉब्लम होता था लेकिन मजाल है मुकेश सर के वो ऑफ सेट भी उनकी टाइमिंग गलत जाए अपने उसी वो उसी मोड में मतलब पता चलता था कि ये चलते फिरते इंस्टीट्यूशन है एंड आई रिमेम्बर जब मुझे बुलाया गया था कि भाई ये कैमी वेफर वाले हैं कैमी वेफर वो प्रोड्यूसर थे अशोक मिश्रा जी और उन्होंने अपने बेटे छोटे बेटे मंसूर को लॉन्च किया था उस फिल्म में उसमें मंसूर थे फिर जॉनी वॉकर साहब के बेटे नासिर थे एंड स्पेशल अपीयरेंस में शाहरुख खान एंड सलमान खान तो सलमान खान को उन्होंने पड़ोसन में जो किशोर दा का गेटअप था वो पान खा के वो वाला कैरेक्टर उनको दिया था सलमान भाई को और शाहरुख सर को हाँ शाहरुख सर को कुवारा बाप में महमूद साहब जो खुद बने थे रिक्शा वाले फिर उनके फ्रेंड मतलब जिन फ्रेंड क्या उनके जो रोल या स्पेशल अपीयरेंस 3-4 सीन थे हाईलाइट सीन थे दोनों के जीतू सर थे वैसे वो फिल्म बनी थी एंड मैं फर्स्ट टाइम उनको मिलने के लिए गया मुकेश सर आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज स्पीचलेस मैं सिर्फ उनको देखता रहा वो उनके उस वक्त कौन सी स्टेज पे थे सर 1987 में काम करना मैंने शुरू किया सर 87 से जी 1987 में 1-2-3-4 नाम का सीरियल मुझे मिला था सर दूरदर्शन पे देखा तो आप एकदम हैरान हो गए अरे मैं मुकेश जी मैं आपको बता नहीं सकता मैं तो सिर्फ देखता था उनके कान कैसे हैं उनका हाथ कैसा है वो कैसे बात करते हैं आईब्रोज कैसे हैं वो बैठे कैसे आई वाज स्पीचलेस मतलब मेरे को 7-8 दिन लगा उनके सामने कुछ बोलने की मैन ऑफ मतलब
जिसको हम कहते हैं कि एक होता दिखावा होता है, एक होता रियल मैन, मतलब यू नो इमोशन वाइज ऑल्सो लोगों के द्वारा मुझको आज भी याद है, एक काम कर ऐसे करके दिखा, नहीं नहीं मेरा छोड़ दे, तू अच्छा कर रहा था, मतलब यू नो ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ करो, दैट इज अ साइन ऑफ अ जीनियस। हाँ, तो वो आपके पॉजिटिविटी को, आपके पॉजिटिव को, हाँ ये अच्छा करता है, इसको एनहांस करो। ही वाज अ ग्रेट पर्सन, जो ग्रेट पर्सन कॉमेडी का ट्रैक शुरू करने वाले वही हैं। आपको उसके पहले बहुत सारे लोग भी आकर गए होंगे, पहले कोई मोटा होता था, कोई मोटापे की कॉमेडी होती थी, कोई गंजे की कॉमेडी होती थी, पर इनका तो एक पूरी फिल्म के अंदर इनका एक ट्रैक चलता था पूरी। एंड महमूद, ये इसका भी किस्सा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, ये था कि उन्होंने बहुत सारी फिल्में की एज अ मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट या कॉमेडियन वगैरह, पर वो एंड महमूद जब तक स्टार्ट नहीं हुआ था, कोई एक फिल्म में मेरे ख्याल से एलवी प्रसाद सर, लेजेंड साउथ के जो मेकर थे, उनकी फिल्म में इनका बेहतरीन काम था सर, और ट्रायल में इनके ही कोई नजदीकी ने मुझे बताया था, मतलब मैं महमूद साहब की किस्से सुनना पसंद करता हूँ सर, तो उन्होंने बताया कि वो ट्रायल में, ट्रायल फिल्म चली, जैसे टाइटल आया तो कई बीच में ही महमूद साहब का नाम था, तो महमूद साहब फिल्म जब खत्म हो गई सब लोगों ने वाह 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 किए, चुपचाप महमूद साहब निकल रहे थे, थोड़े अपसेट हो गए थे कि उनका नाम ऐसे बीच में क्यों ऐसे आया, तो वो बताते कि जब ट्रायल होती थी, एलवी प्रसाद जी की हमेशा से एक वो थी, सिस्टम था उनका, कि जब ट्रायल खत्म होता था तो वो बिना स्लीपर्स के ट्रायल रूम के बाहर ऐसे खड़े रहते थे, ही यूज्ड टू वेट लोगों का फीडबैक क्या है, तो चुपचाप महमूद साहब ऐसे खिसक रहे थे, निकल रहे थे, तो उन्होंने उनको बुला लिया, महमूद, वो उनको महमूद बुलाते थे, महमूद इधर आओ, तो एंड दैट मैन एलवी प्रसाद सर हिमसेल्फ अ जीनियस, वो समझ गए कि ये आदमी क्यों कुछ हुआ है, ये क्यों हुआ है, तो बोले कि इतना अच्छा काम किया, लोग वाह 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 सिटी बजा रहा था, सब देखा, तुम अभी भी उदास है, तो बोले नहीं नहीं मैं उदास नहीं है, तो बोले तुम हमको मालूम है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, बोले देखो नाम देने वाला हम नहीं है, ऑडियंस नाम देगा तुमको, अभी तुमको तुम्हारा नाम बराबर दिखा नहीं, चले ये फिल्म चल जाएगा, तुम्हारा वाह आएगा, उसके बाद ऑडियंस तुम्हारा नाम देगा, फिर तुम्हारा नाम आएगा, एंड इट हैपेंड द सेम एंड महमूद, आफ्टर दैट फिल्म ग्रेट ही वाज कॉल्ड, मतलब उनका जब भी टाइटल आता था तो ही वाज एंड महमूद, सो दैट वाज द योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माय हां, एंड विथ मी सर फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कभी माय प्रोफेशन या माय करियर वाज नेवर मेरे घर का ब्रेड एंड बटर नहीं था, वाला नहीं था, मेरे फादर की तरफ से पूरी छूट थी, बेटा जो करना है करो। अच्छा, मेरा भी इंक्लिनेशन वाज नॉट टुवर्ड्स इंडिया के कौन से पार्ट से थे, मुंबई सर, बॉर्न एंड ब्रॉटन मुंबई, जी जी जी, हम लोग सर वो मेरे ग्रैंडफादर्स ईरान से आए हुए, मम्मी के साइड से भी मेरे फादर भी, यहाँ पे जितने ईरानी होटल वाले, जो लाली आती है वो ईरान की लाली, जी हाँ, वो ब्रून मस्का पाव चाय वाले सर, कमाल की चाय देते थे ब्रून मस्का, तो वो ग्रैंडफादर्स यहाँ आए एंड उन रहते रहते बिजनेस करते 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 करते, ये जितने कॉर्नर के होटल वाले होते थे सर, ईरानी होटल्स जो थे वहां से, सो इसलिए कभी ये नहीं हुआ कि तुमको टेंशन ऑफ द है, खिड़की ऊपर सर पे छत होनी चाहिए, वो रात में आके सोऊंगा किधर, वो कोई वो तुम्हारे कभी नहीं आया, कभी नहीं आया सर, गॉड इज काइंड सर, एंड मेरी पढ़ाई भी, मैंने ऐसा नहीं था कि मुझे करियर ही इसी में बनाना है सर, ये तो एक्सीडेंटली इंक्लिनेशन था सर, पर वो करियर बनेगा कभी, मतलब फिल्म में जाओगे कोई जरूरी नहीं हुआ सर, वो तो आई वाज इन 10th, हम साइकिलिंग करते थे सर, साइकिल करते करते बांद्रा पूरा बैंडस्टैंड वगैरह साइकिलिंग करते थे सर, एंड सीरॉक होटल था तभी, तो वहां साइकिल रख के सीरो के अंदर आराम से जाके वॉशरूम में फ्रेश वेश होके सारे बैंड्रा बॉयज बच्चे बिल्डिंग के हम बाहर आते थे, तो वो एक दिन वो दरबान जो था वो 7 फीट के मूछ वाले से दरबान होते थे सर, वो थोड़ा सा हमारे साथ, हम पकड़े गए उस दिन, उनके हाथ में आ गए, तो
तो हमें पकड़ पकड़ के ऐसे ये वो कर रहा था, तो मैं बच्चों में थोड़ा बड़ा था सर, तो मैं लड़ रहा था वहां उनके साथ, क्या ये वो करके पत्थर उठा के वो सब चीजें चल रही थी। तो ईगल फिल्म्स के वालिया असिस्टेंट डायरेक्टर थे, ईगल फिल्म्स के उमेश जी और राजीव मेहरा साहब के असिस्टेंट थे, राजेंद्र वालिया मशहूर जी। तो मेरे ख्याल से जाल फिल्म की डबिंग चल रही थी या कुछ हो रही थी वहां सीरॉक में, प्रीमियर थिएटर था, डबिंग था सर वो, पता नहीं। तो वो उसने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि मतलब ये सब कुछ हो गया कॉमोशन वो दरबान के साथ देख रहे, हाँ वो देख रहे थे कहीं से, तो दूर से मुझे पता नहीं सर, हम लोग तो बेझिझक लड़ रहे थे उसके साथ, दरबान के साथ। बाद में सब हो गया, वो आकर के उन्होंने एक कार्ड मेरे जेब में से डाला, मुझे कहा कि मम्मी पापा को बोलना अगर एक्टिंग का शौक है तो यहाँ फोन करके बोल दिया आने के लिए। तो याद भी नहीं, फिर गए साइकिल वाइकल रखे घर गए, तो वो वॉश के लिए कपड़ा निकाल के रखे थे, तो मम्मी सब डाल रही थी या धोने के लिए, तो उसमें से कार्ड निकला, बोले ये क्या कार्ड है? तो मैं बोला अरे हाँ वो किसी ने कोई मिला था, बोला कि अगर ये है तो एक्टिंग का शौक है तो बेटा ऑफिस में आ जाना। पहले तो पापा एकदम वो हो गया, नहीं नहीं सब बेवकूफ बनाते हैं सर, वो 87, 85, 86 में तो पता है सर वो मतलब सब फ्रॉड लोग होते हैं, कोई होगा नहीं ये सब। तो मम्मी बोली अरे ये देखो इसमें चील बना हुआ है, ईगल फिल्म्स का चील बना है इसमें देखो, ये तो मशहूर है, ये तो चील मशहूर, ये अपने दिखते ना वो अली बाबा 40 चोर फिल्म वगैरह में जो उनका चील है, मम्मी पहचानी। मम्मी बोली तो ये तो ऐसा नहीं है, बाकायदा एक प्रॉपर कार्ड है ये, तो एक बार फोन तो करके देखो क्या बोलते हो। तो ऐसे बोलते ना थक हार के फादर ने फोन किया, उन्होंने कहा कि भाई नेक्स्ट संडे फेमस में हमारा ऑफिस है, फेमस स्टूडियो में हम ऑडिशन कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे को इंटरेस्ट है तो आप लेकर आइए। तो हम सर पहुंच गए फेमस स्टूडियो, और वो संडे आफ्टरनून इट वॉज 2-2:30 वगैरह, सर 30-40 बच्चे थे ऑडियंस ऑडिशन के लिए। मुझे भी एक पर्चा दिया, बोले ये जॉनी का कैरेक्टर आप ये लाइंस बोलना, और बताया कि भाई वो बिंदास है, बोले हम चार बच्चों का ग्रुप है, वो लोग सब केस वगैरह सॉल्व करते हैं, एनिट ब्लिटन्स फेमस फाइव की किताब के ऊपर वो। तो ऐसा ऐसा है इस तरह से बोल दो, बोल के निकल गए, हाँ माल खत्म मोहब्बत खत्म, घर आ गए, बोलते ना याद ही नहीं कुछ। फिर कुछ 2-3 हफ्ते के बाद टेलीफोन कॉल आया कि आप सेलेक्टेड है और आइए ऑफिस आइए बात कीजिए ये वो। सो फॉर माय फैमिली आल्सो एवरीथिंग वाज न्यू, फॉर मी आल्सो एवरीथिंग वाज न्यू, हमारा दूर दूर तक कोई वो नहीं है एक्टिंग से, कोई लेना देना नहीं था, वहां से सर ये शुरुआत हुई। डेस्टिनी में आपको मतलब आपकी शुरुआत एक कार्ड ने की, एक कार्ड ने और सीरॉक ने, वो भी उड़ती हुई चील हाँ वही वाला मशहूर चील है ये। वो कार्ड से आपको मिला क्या एक्चुअली, मतलब मुझे समझ में आया ईगल फिल्म्स में आपको काम मिला? ईगल हाँ वो ईगल फिल्म्स प्रोडक्शन था, एंड दैट सीरियल वाज 1-2-3-4 दूरदर्शन के लिए सीरियल बना रहे थे बच्चों के ऊपर, वो फेमस फाइव या फेमस फोर उसके ऊपर। तो फिर आप आगे बढ़ते हैं, आप होटल मैनेजमेंट किया जी, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके विदेश में सेटल हुए 10 साल? नहीं सर, सेटल होने वाला था सर, मैं सेटल हुआ नहीं। मैंने आपको बताया ना कि मेरी पढ़ाई बहुत अजीब सी थी सर, मैंने ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस से, दूर होना चाहते। हाँ जब तक मैं स्कूल में था वो वही मैं ज्यादा भागता था सर, मैंने मतलब मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन से ज्यादा क्या था सर वो बस पास जस्ट पास हो करके पास आउट हो गए। उसके बाद थोड़ा कॉलेज में थोड़ा सा सीरियस हो गया सर पढ़ाई को लेकर के, पॉलिटिकल साइंस वो डिस्टिंक्शन वगैरह के साथ सर क्लियर हुए, लेकिन वो सब हेवायर था सर कि मैंने साइंस ली थी, साइंस लेकर के पता चला दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी, तो 6 महीने के बाद मैंने छोड़ दी, 1 साल वेस्ट हो गया, फेल होने से अच्छा है छोड़ दो। तो आप 10 साल वहां पर? नहीं मैं नहीं गया सर, मैं जब केटरिंग का मेरा हो गया सर, तो उस वक्त मुझे एक ऑफर इमीडिएट ऑफर मिला था सर, ऑयल रिग जो होते हैं सर समुद्र के अंदर, हाँ वो टेक्सास में,
ऑयल वहां पे कुछ ऑफशोर ऑयल रिग का कुछ वो असाइनमेंट था सर, तो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि मिनिमम 5 years यू हैव टू स्टे देयर टिल दैट ऑफशोर का उनका ऑयल रिगिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है. यू कैन नॉट लीव इन बिटवीन. हो सकता है उससे पहले हो गया तो यूर बैक, बट अदरवाइज काम खत्म करके तब तक वो आपको ले जाएंगे, वहां रखेंगे, वहां पे आपको उन लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू देम यू हैव टू केटर द फूड वगैरह वो शेफ का वो. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, यार क्या बात है, इमीडिएटली काम मिल गया और ये वो. बट बींग टेक्सस में सर, बट माई बींग द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली सर, तो वो थोड़ा घर पे इमोशनल हो गए, बोले कहाँ तू वहां जाएगा. एंड सर आई एम टॉकिंग दिस अबाउट 92 सर, वो पूरा मतलब इतना एडवांस नहीं था कि कैसे ट्रैक करेंगे, तू वहां है क्या, मोबाइल भी नहीं होगा. बोले मत उधर मत जा, जो है यही कर. तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो ब्रेड एंड बटर वाला मामला नहीं था सर, तो एंड फॉर्चुनेटली उस दौर में सर, हाँ क्या नहीं करें उस दौर में सर, थोड़े फिल्म वगैरह भी ऑफर आ रहे हैं. सवाल यही है कि आप वहां से भारत से वापस आकर आपने 10 साल तो बोले आपने नहीं किया, भारत आकर आपने कैसे अपना एक्टिंग का सफर शुरू किया, एक्टिंग की ट्रेनिंग ली आपने? नहीं, ट्रेनिंग कभी नहीं, मतलब ऐसे करते 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 करते. एंड महमूद साहब की फिल्में बार 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 जितना हो सकता था मैं उनको देखता था सर. तो एंड आई वाज आई कंसीडर माय सेल्फ वेरी लकी सर कि मैंने उस वक्त टेलीविजन में भी प्रोडक्शन हाउसेस जो जो थे जिन जिन के साथ काम किया सर, सबने मुझे रिपीट किया सर. कॉमेडी करते थे आप? हाँ, ये शुरुआत ही कॉमेडी से ही हुई सर. कॉमेडी में ही वही था कि जो ड्रामास भी होते थे सर उसमें भी कॉमेडी कैरेक्टर जो बीच में रिलीफ कैरेक्टर्स होते हैं वैसे कैरेक्टर्स करता था सर. सचिन जी के साथ काम किया बहुत, सचिन फिलगांवकर सर, और राजन वागदारे जी उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा काम किया सर. तो ये इनके साथ तो एक दो तीन चार आपने 1987 में किया. हाँ, पहला ब्रेक, फिर चुनौती आई. फिर चुनौती करके एक सीरियल थी सर, कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर थी. तो जो चुनौती सीरियल में जो एडिटर थे, जो उस सीरियल के जो एडिटर थे वो तो राजन वागदारे थे. जब राजन वागदारे जी ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया सर, सो ही कॉल्ड मी. चुनौती में, चुनौती सीरियल के दो डायरेक्टर थे, संजीव भट्टाचार्य एंड मदन कुमार. दोनों आज नहीं है सर, अमेजिंग टैलेंट सर, अमेजिंग टैलेंट सर. तो मदन कुमार जी ने जब एक नीव सीरियल, नीव जिसकी शूटिंग सिंडिया स्कूल में की थी सर, वो दूरदर्शन के लिए 13 एपिसोड्स थे सर. तो 2 महीना हम सिंडिया स्कूल में शूटिंग वहीं पर जाकर के रह के कर रहे थे. तो तब जब वो इंडिपेंडेंट हो गए सर तो ही कॉल्ड मी. सो आई एम सेइंग वो एरा था सर. आहट आपका नाम दे रहा हूँ. फिर चुनौती आई, फिर आहट भी आई. आहट के काफी एपिसोड्स आप अपने जैसी टाइप्स, अपने जैसे टाइप्स, अपने जैसे टाइप्स. ये सोनी के लिए, सोनी चैनल पे प्रसन्न जी, प्रसन्न कपूर साहब जो जीतू जी के ब्रदर है, एंड डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट सर, विकी महेश भट्ट जी. तो ऐसे, और फिर कर्तव्य भी. हाँ, कर्तव्य वॉज अ डेली सोप आई थिंक. सो डेली सोप सर वो शुरू हो गया था सर, वो जी के लिए था. ऐसे अनेक टीवी सीरियल से छोटे पर्दे पर आपको बड़ी पहचान दिलाई गई, बड़ी पहचान हो गई. दिल विल, प्यार व्यार, कहानी घर घर की, FIR, कॉमेडी सर्कस, देखा आपका हमने पूरा CVI का पूरा हिसाब किताब. कौन है ये सर जो खबर देता है आपको? क्योंकि आपको भी याद नहीं आ रहे थे तो मैंने फिर गिरा दिया. मैं कर्तव्य वगैरह सीरियल मतलब इतने दिमाग में, पर हमने पूरा किया है. पर इस पर छोटे पर्दे से बड़े पर्दे का सफर तय करने में क्या मुश्किलें आई? आसान था कोई रोचक किस्सा कोई आप बताना चाहेंगे? अब छोटे पर्दे से, फिर ये सब छोटा पर्दा था, बड़े पर्दे पर ट्रांजिशन कैसे हुआ आपका? सर वो साइमल्टेनियसली उस वक्त 4 दिन 5 दिन 4 दिन वहां काम खुद ब खुद सर. मैं कह रहा हूँ ना कि वो दौर था सर जहाँ रिलेशंस पे बोलता था, रिलेशन बोलता था, रिलेशन बोलता था सर. वो आजकल की तरह वो ऑडिशन के चक्कर नहीं माने पड़ते. आज तो सर आपको मेकर कौन है वो ही पता ही नहीं चलता सर. पहुंच जाते और ऑडिशन बोलते ऑनलाइन ऑडिशन ही होना. हाँ, आप वो भेज दीजिए. वो सारा कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऊपर हो गया. वो भी जमाना था, वो एक जमाना था सर जो
आई नो दैट सर के सडनली आपको देख लेते अरे यार इसके लिए कैरेक्टर नहीं है यार, एक काम कर दो दिन का काम लिख लो इनके लिए, ऐसी कास्टिंग होती थी सर। वो मेकर्स थे सर, वो मेकर्स भी थे, वो सफर भी था। बार बार लोग बोलते हैं 90s का युग, 90s का युग, म्यूजिक का युग, सीरियल का युग, कंटेंट का युग। आपको याद होगा मुकेश सर, वो मतलब उस वक्त ये बात होती थी कि एक्टर 19-20 रहेगा चलेगा, आदमी अच्छा होना चाहिए। आदमी अच्छा, मतलब मैंने ये भी देखा है कि कितने अच्छे ऐसे एक्टर है, नाम नहीं गिनाऊंगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था, ग्रेट नहीं, बट प्रोड्यूसर रिपीट करता था। क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए उस जमाने में ये नहीं था जो सिस्टम अभी हम शूट कर रहे हैं, चिप लगाया बक बक करते जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस जमाने में मशीन आ जाती है, स्टॉक स्टॉक चल रहा था, प्रोड्यूसर ऐसे बैठा था, एक टेक किया दूसरा टेक किया, तो डायरेक्टर बोलता है किसको लेकर आया, तो अगली बार मत लेकर आना इसको मेरे सामने। करेक्ट। तो उस जमाने में फिर आपको, उस जमाने में फिर आपका काम बोलता था, और आप वो टाइम वही था कि भी अच्छी चीज के लिए ही, तो वो था कि सर हमेशा से पहले से और आज तक यही एटीट्यूड रहा है, अपने काम से मतलब है सर। आई एंजॉय माय वर्क सर, आई लव माय वर्क। मेरे लिए अभी भी मैं आपके पास बैठा हूं ना सर, आई ये पता नहीं सर अगले पल क्या होगा सर, कुछ नहीं पता सर। तो ये अभी ये जो मोमेंट है, ये वर्तमान प्रेजेंट सर, आप हो, ये कैमरा दादा बैठे हैं, ये माइक लगा के गया, टचअप किया थोड़ा, ये एंजॉय दिस, दिस इज द राइट, एंजॉय दिस, लिव दिस मोमेंट। बाद में नीचे उतरे क्या हुआ क्या पता नहीं सर। मैं तो बताऊं, जिंदगी में 5 मिनट का था, 10 मिनट की जिंदगी जियो और उसको 100% दो, आगे 10 मिनट ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। अब ये 10 मिनट में और आगे सोच रहे उधर मेरे को जाने का, कल अदर कर, अरे कल उसके पैसे नहीं दिए मेरे को, तो ऐसी की तैसी 10 मिनट की, तो आपकी जिंदगी कभी भी सेटल। तो ये अच्छा तरह वर्तमान में जियो। आगे बढ़ते हैं, खलनायक में आपको कैसे मौका, आपने खलनायक में ऐसा रोल किया? मैं हाँ सर, खलनायक से पहले सर जोड़े का गुलाम भी है। हाँ। आपको पसंद किया गया? बड़े अच्छा, ठीक है, पहले आप बता दीजिए खलनायक के बारे में, मेरा कैसे रोल सर? मैं खलनायक मतलब सुभाष जी मैं सुभाष जी के ऑफिस में गया था सौदागर के लिए, आप पहचानोगे भी नहीं मुझे सर। मैं वो उस वक्त जो विवेक मिश्रण वाली जो कास्टिंग, नहीं उसमें नहीं था सर, पर वो उस कैरेक्टर के लिए कास्टिंग, वो ही वाज लुकिंग फॉर नहीं सुभाष जी, वो उस कैरेक्टर के लिए, जब तक विवेक मिश्रण फाइनल नहीं हुए थे सर, तो उस कैरेक्टर के लिए, उस मतलब द हीरो ऑफ द फिल्म के लिए, तो आई ऑल्सो मेट हिम दैट टाइम। एंड वो एक सुभाष जी का एक अलग तरीका है सर, वो जो एक बार देख लेते सर तो बोलते हैं ना, ही रिमेम्बर्स दैट कैरेक्टर, या वो एक्टर को या उस पर्सनालिटी को याद करते। तो उस वक्त तो मुलाकात हुई, ही सेड कि यू आर टू स्मॉल फॉर दिस कैरेक्टर एंड यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस वगैरह। एंड जब वो खल, मैं वहां से उस दिन चला गया सर, उसके बाद मुझे शशि वाडिया साहब, उनके असिस्टेंट थे, एसोसिएट शशि जी, तो उनका कॉल आया, बोले कि देखो अभी वो कैरेक्टर तो नहीं है लेकिन एक छोटा कैरेक्टर है, अगर तुम करोगे तो सौदागर में। बोले क्या? बोले वो ड्यूरेशन बहुत छोटा है लेकिन वो जिसके लिए, जिसको आपको जो कैरेक्टर है वो बहुत बड़े कैरेक्टर है। मैं क्या, तो अनुपम खेर साहब का बचपना था सर। अच्छा, अनुपम खेर बाद में जारी हुआ, दिलीप साहब और राज जी के बीच में, तो जो वो यंग वाले जो पैच था ना फ्लैशबैक में, तो उसमें मंडारी का भी यंग थे, ये भी थे, तो वो भी यंग थे अनुपम खेर जी भी यंग थे, तो वो मैंने किया था मंडारी का। अच्छा, मंडारी का 3-4 दिन का काम था, हालांकि वो सिर्फ वो गाने में ही नरेशन में वो चला गया, बड़े रहते गाने छोटे से बड़े हो जाते। जैसे जैसे वो अभी राजकुमार की वो लड़का फेमस हो गया जो बंदर लेके कौन सा काम करता था, बंदर वेद थापर,
वो दिलीप कुमार का कौन जाहिद 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 मैं सर पुलिस होते ना कर चुका हाँ जाहिद एंड वेद एंड मी हम तीन जन ओके ओके नो आई वाज नॉट देयर इन द शूट महाबलेश्वर में ओके अगर तुम्हारा मेरे साथ में काम साथ में नहीं वो दो तीन दिन जो शूट हुआ सर उसके बाद जब फिर उनके यहाँ से शशि जी का वापस कॉल आया जब खलनायक बनी थी तब मेरी मैं गया नहीं था उनके ऑफिस लेकिन शशि जी ने कहा लेकिन सुभाष जी ने कहा कि उनको मुन्ना के लिए वही मेरा मुन्ना बने एंड दैट इज हाउ आई डिड खलनायक सर अमेजिंग वो भी दो दिन तीन दिन का था छोटा रोल था लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा था इम्पैक्ट था अच्छा जोरू का गुलाम भी सर आई वॉज नॉट द फाइनल चॉइस या फर्स्ट चॉइस फॉर द कैरेक्टर कोई और कैरेक्टर कर रहे थे सर मतलब वो पर उनकी कुछ डेट का प्रॉब्लम हो गया कौन से आर्टिस्ट फाइनल हुए थे मुझे पता नहीं सर पर लास्ट मोमेंट में उनके कुछ डेट का इश्यू हो गया सर एंड जो फिल्म के जो प्रोडक्शन वाले थे वो रवि जी उन्होंने वो मुझे बिल्डिंग के नीचे मिल गए वो बोले कि यार कैसा है अच्छा मैं वो रवि जी के साथ जान तेरे नाम फिल्म की थी जिमी अंकल की जिमी नरूला साहब की दीपक बलराज साहब डायरेक्टर थे उसके तो बहुत अच्छी उनके साथ ट्यूनिंग थी सो हाय अली हाउ आर यू ये वो करके वो भी थोड़ा आगे गए बाद में वापस आया अली अली लिसन 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 एक मिनट ऊपर चल तो ऊपर गए ऑफिस गए शकील भाई शकील नूरानी साहब डायरेक्टर थे उनको मिलाए बोले हाउ इज ही फॉर राजू पटेल तो यू देखे वो तो डेट के स्ट्रेस में थे तो इसलिए उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कर पाएगा उन्होंने बोला इसके पास डेट है बोले डेट्स है इसके पास बोला हाँ डेट्स है एंड वो सो दिस इज ऑल डेस्टिनी सर जिसे कार्ड ने आपको दे दिया वैसे अभी ये जा रहा है वापस आया है तुमको वो है ना सर कि वो जिंदगी भर आप फोटोग्राफ्स ऑफिस में जाकर के मिलो कुछ नहीं होता है टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम अखिलेंद्र मिश्रा एक बात ये बोल के गया था अभी पिछले इंटरव्यू में सर जहां पर हम लोग कार्ड छोड़ते हैं ना और जहां पर काम मांगने जाते हैं वहां काम नहीं मिलता सर आज तक नहीं मिला नहीं सर हम नींद में बैठे होते हैं सोए रहते हैं फोन आता है अरे अखिलेंद्र बोला ऐसा उठ के बैठ जाते ऐसा करो कल आप आओ इधर आओ वो काम हो जाता तो मैंने कहा ये तो है ही हमारी इंडस्ट्री का ही इंडस्ट्री में अगर कार्ड छोड़ के जाओ काम नहीं आएगा अच्छा रख दो रख दो उसको फिर बाद में पता लगा कासिंग करें अरे यार वो एक धारी वाली कमीज का एक लड़का आया था उसका असिस्टेंट हाँ सर वो कहाँ है वो सर पता नहीं कार्ड मुंबई शहर में आपने हर तरह का किरदार सीरियस कॉमेडी भी किया पर तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे अली असगर को किस तरह का किरदार करने में मजा आता है किस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हो इमोशन सीरियस कॉमेडी ड्रामा सर सब एज एन एक्टर सब सर मैं अब हमारे साथ प्रॉब्लम आपको तो पता है वो के सर कि मेरा जब करियर स्टार्ट हुआ सर तो वो कॉमेडी कैरेक्टर्स करता था सर कॉमेडी 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 चल रहा था सर तो मेरे जितने मेकर्स जो फ्रेंड्स थे जो अजीज दोस्त भी थे सर वो मुझे कभी सीरियस कैरेक्टर्स देते नहीं देंगे हमारी ये कास्टिंग भी बहुत एक बस स्लॉट भी आप हो गए सर वो एक इमेज तो उस वक्त कॉमेडी हाँ तो वो कॉमेडियन बन गया सर उस वक्त बहुत देर तक ये चलता रहा टिल आई डिड इतिहास मेरे ख्याल से सेकेंड या थर्ड डेली सोप हमारे इंडिया का डेली सोप है सर जो बालाजी टेल फिल्म एकता कपूर ने मुझे मैं जब उनके ऑफिस में मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि ये सूरज का कैरेक्टर है और डायरेक्टर साहब से मुलाकात कराई डायरेक्टर साहब इज गोगी आनंद साहब मेरे आई थिंक मेरे करियर का सर मेरे लाइफ का बेस्ट डायरेक्टर इतिहास का हाँ गोगी आनंद साहब अगर कुछ ड्रामा कॉमेडी तो करते करते वो आता है ड्रामा फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग ड्रामा सर डैमेट वो बहुत सर इतना टफ कैरेक्टर था सर वो मुझे जब उन्होंने कहा कि तुम एक कैरेक्टर के बारे में पूछा कि मेरा कैरेक्टर क्या बोले थे सूरज ही मतलब सूरज क्या करता बोले ये डॉन का बेटा है और इसने अपने बाप को डे लाइट में किसी को मारते हुए देखा है जान से मारते हुए देखा है तब से इसके दिमाग में फोबिया हो गया है एंड वो जब भी अपने फादर को देखता है तो हकलाने लगता है वो डरता है बिल्कुल और एक वक्त आता है जब बाप हिज बियाइंड द बार्स जेल में है सर उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है और बाप जेल में बेटे को
घोड़ा देता, बंदूक देता, बोलता आज तक तुम लोग इससे बचे थे, अगर तुझे और तेरी बहन को जिंदा रहना है, इस दुनिया में रहना है, तो ये हाथ में ले। और ये लड़का डॉन बनता सर। अब आप सोचिए, मैं आपको नैरेशन दे रहा हूँ सर, मेरा ना रोंगटे खड़े हो रहा। जब इन्होंने मुझे ये नैरेशन दिया सर, क्योंकि मैं हमेशा से कॉमेडी रोल कर रहा था, तो मुझे जिम्मेदारी आप बच्चों के लिए बना रहे क्या? आर यू सीरियस? आप ये कैरेक्टर मुझे दे रहे? बट यू आर ऑलवेज चॉकलेट फेस फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं सर, मैं आज भी मेरे फर्स्ट सीरियल के कंटिन्यूटी में हूँ। हो सकता है मैं भी अपनी 80s की फिल्म कर सकता हूँ आज भी मैच। मैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप वैसे के वैसे वैसे ही अगर आप वो एपिसोड 1, 2, 3, 4 का देखोगे सर, तो थोड़ा सा 15-20% थोड़ा सा हुआ है, लेकिन हाइट उतनी नहीं है सर। तुमको वो सीरियस रोल पे ही बनाऊंगा फर्स्ट, तो तुम खुद भी हिल गए। मैं हिल गया सर, एंड थैंक्स टू एकता, थैंक्स टू गोगी आनंद साहब। अच्छा वो दौर में सर, वो डायलॉग्स भी बाबूदा बिहार इशारा साहब, बिहार इशारा मैं कर चुका हूं सर, उनके लाइंस होते थे सर, वो ऐसे ऐसे मीनिंगफुल। हम लोग, आई एम वेरी फॉर्चुनेट सर कि मेरे जो आप कहते हो ना कि आप एक्टिंग क्लासेस गए या नहीं गए, मेरे ये सब गुरु थे सर, इनसे ही सीखते थे सर। एंड वो हमेशा मैंने कभी वो नहीं रखा कि मुझे आता है, आई डू दिस। आप बताओ सर, होना भी है, आप मुझे बताओ। हाँ अच्छा, अगर इसमें थोड़ा ये ऐड करूं तो ये करूं, अगर मैं ही करता रहूं या मुझे ही आता है सर, तो फिर नयापन क्या रह जाएगा सर? फिर वो एक कंप्लीसेंसी में रुक आपकी प्रगति नहीं होगी जो हाँ। इसमें होती है, तो वो इससे क्या रहता है ना सर, वो मजा भी आता है, आपको भी मजा आता है करने में। क्या आप संडे सर आदमी कॉमेडी बना देते हैं, हर आदमी वही डायलॉग, कितना कुछ कर पाओगे आप, उसमें कितनी वेरिएशन होगी, और फिर सडनली ऐसा डायलॉग सीन मिलता है जहाँ आपको रोल मिलता है, तो आप तो चार्ज हो जाते हैं, ये इसमें कुछ करने को मिला मेरे को, बहुत देर के बाद वेट कर रहा, तो वो आपको मिला ही मुझे मिला। इसके लिए मेरा आई गिव क्रेडिट टू एकता सर, वो उसने मुझे उस वक्त भी ये कैरेक्टर एक आउट ऑफ द बॉक्स, वो एक अलग सा कैरेक्टर उन्होंने दिया। फिर जब 2000 में कहानी गरगर की मैं सर, वो कमल का जो कैरेक्टर था, वो जो बहुत फेमस हो गया, जो बहुत फेमस हो गया था, मतलब आई स्टिल रेट, मेरे लिए तो सूरज का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पर वो शो दूरदर्शन पे था, दूरदर्शन का डिले। अच्छा ये डायमेंशन पे, हाँ सर, एक ऐसे शो पे आते हैं जिसका नाम लेते ही लोगों के दिमाग में यह आ जाएगा कि मुकेश जी क्यों बात कर रहे हैं, वो है कपिल शर्मा शो, जिसके आप बहुत मुख्य पार्ट बने हैं। मैं उसके सीरियल ना, उसके शो अटेंड ना करते हुए भी, पार्टिसिपेट ना करते हुए भी उसके साथ जुड़ गए। अच्छा मतलब मैंने ये दी मुकेश करना शो खड़ा किया है इन फ्रंट ऑफ कपिल शर्मा शो, वो जिस तरह का अंदाजा उनका मेरा, मैंने कहा शालीनता से भी इंटरव्यू दिया जा सकता है, बिलो द बेल्ट उनकी कॉमेडी, ही इज ग्रेट इन हिज कॉमेडी सेंस, और लोग लाइक करते हैं। मेरे को किसी ने कहा था सर बहुत टीआरपी है, मैंने कहा होगी, मेरे को पसंद है। तो वो शो के आप एक किरदार थे जिसमें नानी का किरदार किया, स्टार्टेड विद दादी, दादी को नानी कर दिया उन्होंने, मुझे मेरे किसी ने बोला सर दादी था, मैं पहले दादी, जब शो हम स्टार्ट किए थे तो जब हम लस पे थे तो दादी था, दादी थी दादा था, दादी थी। फिर जब सोनी पर आए तो मैंने नानी का कैरेक्टर, मतलब ये तो नहीं है कि अब लड़के की खानदान से लड़की की खानदान में चले पर मैं वो पूछना चाहता हूँ कि लोगों ने पसंद किया जी कपिल शर्मा के शो में, आपको दादी बनाया तो दादी बनाया, दादा क्यों नहीं बनाया, और दादी बना के फिर लड़कियों के ड्रेस क्यों पहनाया, क्या वो चीज आप उसको क्या किस अंदर से देखते, ये चीज नोट करने जैसी है या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ सर? अच्छा लगता है, मतलब पूछने का मतलब है कि थोड़ा सा अश्लील नहीं लगता ये सब पूरे का जो जिस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, मैं बैठ सकती है तेरे पास, है लड़का, और एक्टर भी जो या क्रिकेटर भी होते हैं उनको मालूम है तो अली है सारा, कोई लड़की तो है नहीं कि मेरे घुस के तो वो मेरी वाइफ भी भड़ गई कि नहीं मेरे पे, तो वाइफ देखती है वो लड़की क्यों आपके पास आकर बैठ गई थी ऐसा बोलते हाँ। तो अली असगर है तो वाइफ को भी सेफ है तो वो भी बोलता हाँ बैठो बैठो करो, तो क्या लगता है ये होना चाहिए इस तरह की फोर्ड, मैं इसको फोर्ड कॉमेडी करता हूँ, am I wrong, right or wrong? नहीं सर, मैं देखिए that is your view, I will not say that is your view sir, पर मैं
विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये है कि एक तो जो हमेशा सबको ये लगता है कि लड़के को लड़की क्यों बनाते हैं सर, उसका जो रीजन मैं मुझे समझ में आता है सर वो ये है कि हम अभी जो किसी की दादी मेरी जैसी नहीं होगी सर, होगी वो उतनी एनर्जेटिक और वो उतनी, एक तो क्या था सर कि हमारी शूटिंग की टाइमिंग्स बहुत आगे पीछे बहुत होती थी सर, लेट हो जाती थी सर, हम दिन में भी दो एपिसोड करते थे, गैग फिर इंटीग्रेशन, गैग इंटीग्रेशन, तो उसमें लेट वो हो जाता है। अभी अगर कोई एक सीनियर एक्ट्रेस को ही हम दादी बनाएंगे सर, तो वो उतना शूट होने का एक पॉइंट लेडी को नहीं है सर, वो प्रॉब्लम था। दूसरा हीरोइने काम नहीं करती, रात भर काम करती है। तो दूसरा ये था सर कि जब हम लड़के को लड़की बनाते सर, तो वो ओरिजिनल कैरेक्टर है ही नहीं, तो उसके ऊपर हम बे इंतहा सर लिबर्टी लेकर के सर हम मस्ती कर सकते सर, तो वो एक क्योंकि वो कैरेक्टर ओरिजिनल है ही नहीं सर, तो उसमें ऑफेंड होने की दादी इतनी वो नहीं होगी, एनर्जेटिक होगी और इस तरह की बातें नहीं। हाँ अच्छा, जो सेलिब्रिटी भी जो आते थे सर, देखिए जो शो हमारा शो बना, गैग्स बहुत अच्छे थे, कैरेक्टराइजेशन था, टाइमिंग वगैरह सब कुछ A1 था, पर उसमें उतना ही ज्यादा हाथ जितने सेलिब्रिटीज आते थे सर, वो सेलिब्रिटीज ने भी शो को बहुत उठाया सर, इट वाज सपोज्ड टू बी बिकॉज वो फर्स्ट टाइम सर मोर देन, क्योंकि उससे पहले जब वो किसी डांस शो में एज अ जज बनकर जाते थे या किसी शो में जाते थे, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड होता था सर, यहाँ वो यू नो 45 मिनट्स के लिए वो खुद भी एंटरटेन होते थे और एंटरटेन करते थे सर, और वो बहुत बड़ा पार्ट था, वो उनका बहुत बड़ा योगदान। मेरे को इस कंट्रोवर्सी में एक बहुत बड़ी बात बोलनी पड़ गई थी, मेरे को मजबूर कर दिया गया था कि मैं क्यों नहीं गया महाभारत के 5 कैरेक्टरों में से, ये रेणु चोपड़ा भी थी, सबको ही थे, गूफी भी था, दुर्योधन भी था, अर्जुन भी था, युधिष्ठिर भी था, कृष्ण भी था, मैं नहीं गया, वही कहानी बन गई, सबको मान लो, मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पूरा आधार मुकेश खन्ना शो का, आई वुडंट नेवर हैव मेड एनी इंटरव्यू शो, मैं सेलिब्रिटी तो नहीं बोलूंगा, मैं एक्टर हूँ, जिंदगी भर मैंने इंटरव्यू लिया, मेरे को क्या क्या काम है कि मैं बैठ जाऊं और उनका इंटरव्यू लूं, एक्चुअली मैं अपने आप को मेन वो डिमीन कर रहा हूँ, पर मैं अपने आप को जर्नलिस्ट ही बना रहा हूँ, क्या शौक मेरे सर, जैसे आप बोलते हैं कोई कारण बनता है, मेरा कारण बन गया, मेरे को बुलाया मैं नहीं गया क्योंकि मैंने कपिल शर्मा की थोड़ी सी चुभती हुई देख चुका हूँ, किसी से बात करता है तो बिलो द बेल्ट भी बात करता है, तो उसमें अरुण गोयल के मैंने एक सीक्वेंस देख लिया था और उसने बोला अरुण को, बोला अरुण जी और साथ में बैठे सीता और लक्ष्मण भी, आप जू बीच पर नहा रहे हैं सब उससे, और अचानक क्राउड से आवाज आती है, देखो 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 राम जी भी VIP अंडरवियर पहनते हैं, मैंने प्रोमो ही देखा था और अरुण गोयल साफ आदमी है, मैं उतर तो चल गया था, टॉक अरुण को राम कैरेक्टर, उसके ऊपर लोग 10,000 का हार पहनाते, उसको ऐसा सवाल पूछ रहे, तो इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसके नाम पे हमारे पॉलिटिशियन भी फायदा उठाते हैं, तो साथ कुछ भी रखे आप डिग्निटी रखो, जैसे मैं राम के मंदिर में अरुण गोविल को नहीं जाने को मिला, ऊपर झगड़े मंडे धक्का धुकी, बोला मेरे को दर्शन नहीं मिला, आया हुई आया था वहां पर, उसको अंदर भी जाके नहीं, तो उसने प्रेस को बोला कैसे लगा, बहुत खुशी हुई मंदिर में ना, लेकिन दर्शन नहीं हुआ रामलीला के, और मैं नहीं गया था कि इतनी क्राउड में मैं नहीं जाऊंगा, पीछे से लोग काम आ रहे, मैं जाऊंगा आराम से बात कर, मैंने उठा के एक वीडियो बनाया, जब राम को दर्शन नहीं होने दिए तो फिर भीष्म पितामह को कौन दर्शन देता, इसीलिए तो वहां साहब मेरे को ये बात निकली थी, तो हमारे युधिष्ठिर साहब ने एक सेंस दिया, अरे मुकेश खन्ना को तो नहीं बुलाया गया था, जहां तक मैं जानता हूँ वहां पर तो वो ये डिसीजन किया तो मुकेश खन्ना को तो उन्होंने, और बोला उन्होंने सोनी ने रिसर्च किया था कि जिसके पास सेंस ऑफ कॉमेडी है ह्यूमर उनको बुलाएंगे, मैंने कहा ओए ये क्रिकेटरों को पूछा जाता है कि तेरे को कॉमेडी करना आता है, ऑन द कॉन्ट्रेरी वो लोग एहसान करते हैं शो पे, उनकी भी तुम बोला कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका, वो लोग आते हैं तो आपके शो में चांदी, तो क्या आप चूज कर, नहीं आप बताइए सचिन जी आप बहुत बोर करते हैं, बताए ऐसा तो नहीं, तो मुकेश खन्ना को रोक गया, मैंने कहा ओए तू कहां से बोल रहा है, तू तो सारा पैसेंजर है, वन ऑफ द पैसेंजर जो उसकी ट्रेन में चला, लेट सलमान खान रिएक्ट, लेट, मैं बहुत बोल गया खिलाफ कि ये अश्लील शो है, जहाँ वो बोलते हैं मैं बैठ सकती क्या, मुझे पसंद नहीं आया,
तो अगेन यू से दिस माय पर्सनल व्यू, आई टेक इट एज अ पर्सनल व्यू, बट आई स्पोक अ लॉट ऑन दैट। ओ, और मैंने धर्मराज को कहा था ओए अधर्मराज तेरे को, तो कहीं ना कहीं अगेन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या अगर यही सीन अगर कोई, ऑफकोर्स मैं ऐसे सीन करती नहीं, अगर लड़की होती तो इस तरह की सीन बीच में घुस के बैठने की कोशिश नहीं करती है, राइट? हाँ सर, पर मैं ये वही है ना, इसीलिए अब क्या देखिए इसका शो का जो प्रिमाइस है सर, वो प्रिमाइसी वो ऐसा था कि ये फैमिली है जो ग्लैमर स्टक है, उसमें दादी है, फिर वो पड़ोस में दो बहने हैं जो गुत्ती का जो सुनील जो कैरेक्टर करते थे, फिर एक नौकर है घर में, एक वाइफ है, अच्छा ये गरीब लोग हैं, इनके घर में पैसे नहीं है, कंगाल है, यू नो, एंड उसमें सारे जितने घर के कैरेक्टर्स थे सर, वी ऑल वेर अंडरडॉग्स, वी नेवर वो सामने वाले के मजाक उड़ाने से पहले खुद का हम मजाक उड़ाते थे सर, ये देखो ये दादी है शादी में गई थी, ऐसे ऐसे बटोर के खाना वो खाई है, यहाँ से चुरा लेती है, वो चुरा लेती है, वो दादी का कैरेक्टर भी वैसे ही था सर, पीती थी, उसके घुटने गए हुए हैं, अच्छा दादी का था वो लेवल बोलते ना हम किंग, आई लिव किंग साइज, वो जीना चाहती है, वो बोले मैं मानू मैं मरने वाली हूँ लेकिन मैं रोते रोते नहीं मरूंगी, कैरेक्टर सारे कैरेक्टर्स जो बने थे ना सर, एंड वो आई डोंट नो सर कि क्यों आपके एक उसमें जोक था कि ये कपिल ने कहा था कि ये लोग क्या करते हैं मालूम है, वो टूथपेस्ट के ऊपर बैठ जाते उसको दबा के दबाते रहते हैं। हम लाइव शोज के लिए जाते थे तो वो था कि नहीं नहीं ये इधर नहीं चलेंगे, इधर ये चले, एंड वैसे ही होता था सर। सो वो एक होता ना कि वो ऊपर से आमद होता रहता है सर, उसकी वो is blessed in that way. Do you find it arrogant or disarrogant or no arrogant? नहीं सर वो not that way sir. I think अभी कुछ incident कभी किसी के साथ हो जाता है on a particular given day sir. अब क्या होता है हर इंसान है, नहीं क्या कहानी, कभी कभी किसी को थोड़ा सा अनादर हो जाता है उसको, हाँ वो otherwise he's not there, वो he's not वैसे sir. मेरे अब बात खुल रही है, माफ करना मैं थोड़ा सा वैसे भी दृष्ट हूँ, मैं छुपाता नहीं कुछ भी, भले कपिल को बुरा लगे या किसी को बुरा लगे या इनको बुरा लगे, मैं बोलने का तो बोलने का था, इन्होंने भी मेरे पे एक थोड़ा सा मेरा एक ढक्कन खोल दिया बोलने के लिए। मैं आपको बताऊं कि कपिल के खिलाफ मैंने क्यों ये शो खड़ा किया, कपिल के खिलाफ क्यों गया मैं, सच अ फाइन कॉमेडियन, सच अ फाइन शो, मुझे किसी ने कहा सर सर इतनी टीआरपी है सर इतने करोड़ की, आप मेरे को गुफी ने कहा तू आ रहा है रामायण वाले को बुलाया इन्होंने, मुकेश जी लगता हमको भी बुलाएगी, मेरे को फोन नहीं बोला, मैंने गोफी तुम जाना मैं नहीं जाऊंगा, मैं माइंड पहले पिकअप कर चुका था, अरे क्यों इतना बड़ा शो है पूरे, मैंने कहा टीआरपी है तो मैंने कहा सो व्हाट, टीआरपी में सब कुछ नहीं होता ना दिमाग नहीं होता, तो मैं उसके सामने बोला मैं नहीं जाऊंगा और मैं नहीं गया, दे थॉट कि मेरे को बुलाए विश्व ने बोले मेरा ये शायद मेरे को कपिल शर्मा माफ करना उनको बुरा भी लगेगा, बट कुछ चीजें वो ऐसी कर रहे हैं जो मुझे थोड़ी सी कौन सा वर्ड यूज करूंगा, प्रोवोक तो नहीं करूंगा, थोड़ा सा मतलब बैड गोल्ड अवार्ड फंक्शन, मुझे अवार्ड देने वाले थे वो लोग, प्यार का दर्द मीठा मीठा में मैंने फादर का जो रोल किया था मैंने उसको, पुरुषोत्तम रॉय का बेस्ट एक्टर डायरेक्टर या एक्टर जो बोलते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, मैं लेने को गया, बहुत कम जाता हूँ पर मैं फ्रंट रो में बैठा हूँ अवार्ड फंक्शन पे, वो बीच में वो तुम्हारी जो एक और कॉमेडियन है भारती, मैंने कहा ये कुछ ऐसा ना कर जाए कि मेरे मैं बहुत मैं रूड हूं थोड़ा इस मामले में, तो हुआ हुई है यहाँ भगे एक किसी किसी के कैरेक्टर के पीछे पड़ गई, वो भाग गई बेचारे पीछे, तो फिर मेरे पास सडनली आके यहाँ पर आके ऐसा कि बैठ गई खाली से, मुझे काम मिलेगा शक्तिमान, मुझे काम मिलेगा करके उसने मेरे यहाँ पर सर रख दिया, और मैंने कहा देखिए अगर जिंदगी भर सॉरी शक्तिमान ना कहना पड़े तो सीधे बैठो। उसी इंसिडेंट में कपिल देव आके मेरे पास सीट में बैठ गया,
जल्दी में था शो करके यहाँ पर राकेश ने अवार्ड लेने जाना था। I know him, he's an artist. We don't meet, but we greet each other. 15 मिनट 10 मिनट बैठा अपने नाम आने को, हेलो तक नहीं किया उसने मेरे को। तो मैंने कहा थोड़ा सा, ये नहीं है कि मेरा कोई अहम है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पैर छूते हैं तो मैं बताओ छू, ऐसा नहीं साहब। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में अजीत साहब मेरे को हाथ पकड़ के बोलते हैं प्लेन में। मैंने कहा हाँ अजीत साहब, माफ करना, डैड बना दिया तुमको जलगान में। तो सामने से एक्टर एक्टर को माफ करता है। ये साहब अभी शायद नए नए थे, शो का भी उठा ही था, बुरा लग गया मेरे। मैंने कहा इसमें एटिकेट नहीं है, इसमें जिसको हम ग्रेस बोलते हैं, कर सकता था हेलो करके स्माइल भी कर सकता था। मैं उसके सीनियर हूँ, I'm not talking about my seniority and his juniority. I'm talking about the system of the industry which works so beautifully. Everybody is a member of a family. आप नहीं भी जानते हो तो भी कोई भी एक्टर मिलेगा रास्ते में। अभी देखो मुझे ऋतिक रोशन मिल गया एयरपोर्ट पे, अभी तो एक साल पहले। मैं अपना सामान डाल रहा हूँ, पीछे से आवाज आई, हाँ इसको यहाँ डालो। तो मेरे को लगा ऋतिक उसकी आवाज है, मैंने टर्न किया तो मैंने कहा ये आदमी लड़का अच्छा मुझे। मैंने कहा हाय क्रिश, अरे सर जी मेरा हाथ पकड़ा। मैंने हाउ आर यू सर, डू यू नो एट दिस टाइम इन दिस एयरपोर्ट देयर आर टू सुपर हीरोज। आई लाइक हिज इनोसेंस, दिस इज हाउ वी वर्क। उसमें एक आदमी 15 मिनट 10 मिनट बैठ के आप देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मेरे को जल्दी बोला मुझे भागना है, और सामने कौन बैठा है, ना विश ना कुछ, एक पैरा पॉइंट सर। इससे और थोड़ा सा चुभने वाला पॉइंट, शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहनकर इसने एक एक, एक कॉमेडी सर्कस में कृष्णा अभिषेक हुआ था, एक सीक्वेंस एक वो कर डाला स्किट, एक लड़की खड़ी हुई है और लड़की स्वागत है, अच्छी दिखाई बेड है यहाँ पर, शक्तिमान ऐ करके जाता है, फोन की घंटी बजती मोबाइल, हाँ आता वापिस आगे, फिर आगे बढ़ता उसकी तरफ, बेड है यहाँ पर वो लड़की खड़ी है वो, और फिर घंटी बजती है, फिर करता। मैं भड़क गया, मैंने कहा हाउ द हेल ही हैज गॉट दैट दैट गट्स टू इवन डिमीन अ कैरेक्टर जो एज पाक एज शक्तिमान जो बच्चों को। मैंने फोन किया कृष्णा अभिषेक, मैंने कृष्णा 350 कर गया सौदे लगे, ये क्या है तो लोग ऐसे स्केट करते। सर जी माफ करना, ये स्केट मैं करने वाला था, कपिल ने अपने को ले लिया। मैंने कहा लेकिन ये आई थिंक वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था। हाँ ये मैं कह रहा हूँ ना कि पसंद नहीं आया। मैं एक अपना शो खड़ा करता हूँ जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो, और मैं आज 100 लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूँ। मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू कैसी शालीनता से लिया जा सकता है, टच छोड़मारी की वजह से लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ। मेरे में तुम्हारे बिलो द बेल्ट की बात नहीं करता, वो करता है, वो उसका फॉर्मेट है। तो बता रही सर वो शो हमेशा वो नहीं होता सर, कभी कभी कुछ सिचुएशन गिव एंड टेक ऐसे हो जाता है जहाँ, बिकॉज बिलो द बेल्ट इज नेवर स्क्रिप्टेड सर, इट्स एन इम्प्रोवाइज सर। अब वो क्या कुछ कभी सामने से भी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। डायलॉग राम का बोलना स्क्रिप्टेड होगा या ऑन द स्पॉट होगा? नहीं ये तो मेरे ख्याल से स्पर ऑफ द मोमेंट में ये बात हुई, बिकॉज सर बिलो द बेल्ट कॉमेडी करना बेटर, सॉरी तुम ज्यादा जानते हो, मैं गलत ही हूंगा। नहीं गलत की बात नहीं सर, आई थिंक वो कुछ बंदा अच्छा है, बस इतना आदमी अच्छा है एंड वेरी टैलेंटेड सर, अमेजिंग। गिव माय रिकॉर्ड्स टू हिम, ओके आई थिंक वी शुड मूव अहेड। यस सर। अली जी क्या है कि सवाल तो बहुत है और आप तो हो भी वैसे सवालों के लायक, तो मैं सोचता हूँ कि ये सवालों को रख दिया जाए और 1-on-1 बात करते हैं। डन सर। Ali, you have played comedian, you know. There are so many other actors whom I know played comedians. Like, for example, Rajendra Nath, jiski entry mein hi flush dikhaya tha wo, phir wahi dil laya wo, entry mein hi wo, aur wo... Maine suna real life mein bahut serious thi. Main ek baar mile mere ko, maine kaha, ye to smile bhi nahi kar raha. To, aapko kya lagta hai, comedian jo hota hai, wo real life mein bhi कॉमिक कैरेक्टर रहता है या वो क्या बोलते हैं कि पब्लिक का परसेप्शन गलत है कि एक विलन साला रेप करता है तो जिंदगी में भी रेप करता हो, तो आपको क्या लगता है, आपका आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं रियल लाइफ में भी आप कैसे कंडक्ट करते हो अपने आप? नहीं मुझे भी मिलते हैं कभी एयरपोर्ट पे, फ्लाइट में, कहीं ट्रैवल कर रहे, कभी रेस्टोरेंट के अंदर,
यहाँ तक कि ट्रैफिक में कई गाड़ी चलाते चलाते ऐसे ही वो करके क्या होता कि अपना भी एक स्पेस है, हमारे भी उनको नहीं समझ, उनको समझ में एक उनको लगता है कि ये इनका रियल वास्तविक रूप है। हाँ, एंड देयर आर टाइम्स सर आप पर्सनली इतने, मैं सर अभी बीच में मेरे मदर को लेट हो गया था, न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जा रहा था, तो आई डिडंट हैड अ ड्राइवर, सो मैं वो उनको डॉक्टर के गेट के पास उनको ड्रॉप किया, उनको बोला वहां पे आप रोको 2 मिनट, आई इमीडिएटली बिकॉज नो पार्किंग जोन था, वहां से कहीं और ले जाके गाड़ी रख के आई वॉज रनिंग, माई मदर स्टैंडिंग देयर, शी कांट स्टैंड फॉर अ लॉन्ग, आई डोंट नो क्या, मैं भाग रहा था, एक बंदा पट करके मेरा भागते भागते हाथ पकड़ लिया यूं करके, ए यार आई एम अ ग्रेट मैन, ग्रेट टाइम, आई नीड योर फोटोग्राफ, आई सेड प्लीज प्लीज फॉरगिव मी टुडे, माय मदर इज वेटिंग देयर, आई एम इन अ रश, एंड आई हैड टू कवर ऑलमोस्ट 500 मीटर सर, 500-600 मीटर, इतनी दूर पार्किंग थी सर, बाय द टाइम आई वेंट देयर आई टू माय, मतलब उस चक्कर में एक दो पेशेंट और अंदर चले गए, फिर हमारा नंबर आया, फिर मैं वापस मम्मी को, आई केम बैक, टुक द कार, कार लेके मम्मी को पिक किया, घर आया, उनको मेडिसिन मेडिसिन दिया, 2-3 घंटे के बाद जब तक दिखता तो ट्विटर पे वो बंदे ने ट्वीट कर दिया, आई ऑलवेज यूज टू लव हिम बट आई फाउंड हिम वेरी एरोगेंट। अब सर भाई आजादी जिंदगी नहीं समझते, नहीं ये थोड़ा सा हिट एंड मिस हो जाता है उस वक्त, यू नो हमारे भी कुछ मजबूरियां होती है सर, गलती ये लोगों को लगता है कि भाई ये कुछ थोड़े ही अपने को समझते हैं। हाँ, कि हालांकि हम कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, हाय सर जो हम जो है, आप जो है सर, जितने भी कलाकार है सर, उनके प्यार की वजह से ही है सर, तो वो तो आप ही के लिए तो काम, उनके लिए तो काम करते हैं सर, बट दे मस्ट गिव सम काइंड ऑफ स्पेस, एक थोड़ी सी कहीं पे एक अंडरस्टैंडिंग रख लीजिए, इसको कट को तुम हॉलीवुड में जाओगे ना, हॉलीवुड में उल्टा है, मतलब आप रेस्टोरेंट में भी अगर सपोजिंग मान पड़ा कि ये बैठा हुआ है या कोई बड़े बड़े एक्टरों का नाम ले लो, रेस्टोरेंट में कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो देखते हैं कि ही सिटिंग देयर रिस्पेक्ट जाके बोले सर आई विल लव यू, और सर उस पंजाब में जाओगे तो पकड़ लेते बंदे, अरे 80 तोड़े पैर देंगे, मैंने कहा ये पैर हाथ ना ये पंकज दिन दे को मार दिया था, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, बट देन अगेन ये चीज हमारी एसेट भी है। हाँ ये एक पर्सनल टाइम होता है सर, एक पर्सनल स्पेस है, एक छोटा सा वो वक्त होता है, वी मतलब आई ऑलवेज ट्राई मतलब क्या वो नेचुरली आता है, जिससे भी मिलते प्यार से मिलते हैं, मिलते ही है सर, लेकिन कई होते हैं सर वो थोड़ा सा ट्रिकी गेम सर, उसमें वी आर एंड दे आर देयर। मैं एक और छोटा इसका हिस्सा बोलूंगा, कहीं आपके बच्चे हैं आपके? जी दो। स्कूल में कहीं उनको बोला जाता है कि तेरा बाप तो मस्करा है, कॉमेडियन है, ऐसा है, ऐसा कुछ बोलते? मेरे बेटे को क्या कुछ तो भी कमेंट्स पास होता, ये बहुत पहले की बात है सर, इनिशियली सर वो एक दौर, एक फेस आया था सर, अननोइंगली अनइंटेंशनली आई डिडंट रियलाइज ऑल्सो एज एन एक्टर सर, मैं जब भी कॉमेडी सर्कस कर रहा था सर, आप बिलीव नहीं करोगे मुकेश सर के मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब ऑलमोस्ट 4 days अ वीक आई वॉज देयर ऑन टेलीविजन, कोई तो भी यहाँ वहाँ शो, कभी कुछ मिस इंडिया या CID गैलेंट्री अवार्ड या कोई तो भी अवार्ड्स जो हमारे टेलीविजन पे होते हैं यहाँ वहाँ, उस शो में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वॉज देयर, पर एज फीमेल कैरेक्टर सर, नानी नहीं, उस वक्त तक नानी भी नहीं थी सर, मैं कॉमेडी सर्कस कर रहे थे सर, 26 एपिसोड, हाँ वो 26 एपिसोड का सीजन होता था सर, 26 एपिसोड में से 18 एपिसोड 20 एपिसोड में उसमें ड्रैग फीमेल कैरेक्टर। अच्छा हाउ डू यू फील सर? रियलाइज नहीं होता था सर, मजा आता है एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे सर। अच्छा मेरा हमेशा से सर परसेप्शन ये रहता था कि एक बंदा नेगेटिव करता है, एक बंदा पॉजिटिव करता है, एक ये करता है, दिस इज ऑल्सो चैलेंज फॉर मी, डिफरेंट कैरेक्टर एक्टर है सर, और जो आ रहा है मुझे उसे 100% करना, और मैं करता था सर,
टिल द टाइम सर ये हुआ कि मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे अलग अलग शोज में भी आई वॉज फीमेल कैरेक्टर सर, तो वहाँ जाकर के कहीं मुझे लगा। फिर सैटरडे संडे वही कॉमेडी सर्कस चल रहा था, तो सैटरडे के एपिसोड में वी वेर एट द डाइनिंग टेबल, खाना खा रहे थे बच फैमिली हम सब, तो एंकर ने इंट्रोड्यूस किया अली एज सास, एज दामाद, वो एज, तो वो एक एपिसोड चले गया। संडे के दिन अगेन प्रेजेंटिंग अली एज समथिंग सम फीमेल भाजी वाली या समथिंग कुछ ऐसे, वो ऐसे वो ऐसे। वहाँ मेरा बेटा सर सडनली बोल पड़ा, बोले अभी फिर से? तो आई मैं नहीं समझा, मतलब फिर से मतलब, बोले मेरे को चिढ़ाते हैं क्लास में, इसका तो इसके 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 फादर तो इसकी माँ है, हाँ इस, इसके इसका बाप जो है वही माँ है, माँ है वही, बोले और कुछ नहीं आता आपको? दैट टाइम आई थिंक नहीं, आठ साल से और भी छोटा नहीं, ही वॉज इन आई थिंक सिक्स सेवन्थ में था सर, 12 साल का था जब भी, 12-13 साल का था। आपको कुछ और आता नहीं है? तो आई सेड नहीं बॉस, इसमें मैं नेगेटिविटी में जाऊं तो मैं बोलूंगा कि इंडस्ट्री की भी गलती है कि अली अली इज नाउ टाइपकास्ट है, हमारे यहाँ टाइपकास्ट है। पर सर इसमें मेरा कसूर क्या है? नहीं मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा नहीं, इंडस्ट्री की बता रहा हूँ, उन लोगों को सूझता नहीं वहाँ। हमारे यहाँ पर मैंने अभी देखो अक्षय को भी मैंने सजेस्ट किया अपने वीडियो के थ्रू, मैंने कहा मेरे को हक बनता है पहला फिल्म है, आजकल वो चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप अपनी इमेज के खिलाफ रोल करने जा रहे हो। आप मारामारी वाले एक्सपर्ट लोग बोलते हैं मार अभी, तो आप पता लगा खड़े हुए और वो टॉयलेट पेपर बेच रहे हैं, और तो पब्लिक को नहीं चाहिए। मैं कभी भी अपनी इमेज से मत खेलूँ, मैं मानता तभी मैंने शक्तिमान और महाभारत के बाहर का रोल नहीं किया, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री टाइप इमेज ओरिएंटेड है। प्राण साहब बहुत मुश्किल से विलन से हीरो बनते हैं, कुछ लोग बने, पर हमको अपने टाइपकास्ट होना ही पड़ता है। हॉलीवुड में अलग बात है, मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा देखो सुपरमैन क्रिस्टोफर की रीव, आफ्टर सुपरमैन ही प्लेड अ फिल्म, कौन सी फिल्म था उसका नाम था, उसमें उसने गे का रोल किया एंड पिक्चर हिट, एक्सेप्ट भी हो गए, यहाँ बोलेंगे मारेंगे पत्थर, अरे आप सुपरमैन हो के आप गे का रोल करते हो? वहाँ उन्होंने जो, बिकॉज वहाँ थोड़े से सोचने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे हैं शायद हमारे से, अंडरस्टैंड कि हमारी फिल्म उनकी फिल्म में गॉडफादर में डॉन कॉर्लियोन को सिर्फ 3 लाइन बोलनी पड़ती है, पब्लिक पूरी समझ, आप बाकी समझते हैं आगे आपको मालूम है। आई विल मेक एम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज, इट्स इनफ, इतना कर दिया सिट डाउन इनफ। हमारे यहाँ स्मगलर का मतलब पूरे का पूरा नाटक करके डायलॉग मार के जब तक बोलेगा तब तक तो नहीं होगा। वहाँ उन लोगों को बिकॉज थोड़ा सा वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने ये नॉवल पढ़ी होगी, इफ इट्स अ बेस्ट सेलर तुमने पढ़ी हुई है गॉडफादर, तो बीच के सिंह उड़ाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को मालूम है डॉन कॉर्लियोन ओके उसने इतना कहा, डोंट क्राई यार, क्राइंग लाइक अ बेबी। अब इतना चीज यहाँ अगर करेगा तो एक 3 पेज का डायलॉग बोल देगा बाप उसको। हमारे लोग तो मैं उनको समझा रहा था कि हमारे हम ऐसे बड़े हुए हैं इसलिए हॉलीवुड की मेकिंग हमको समझ में नहीं आती। सो अच्छा ही है, मैं तो बोलता हूँ हमारे यहाँ पर जो कुछ होता है वो वहाँ नहीं होगा, हमको जो कुछ मिलता है वो वहाँ नहीं मिलेगा, हम वी शुड बी हैप्पी अबाउट अवर दिस थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं टाइप कास्टिंग होती है तो ले, बिकॉज तुम उसके बगैर अभी तुम कितनी भी कोशिश करोगे, तुमको अगर तुम फेमस हो गए लेडीज के रोल में 10 लेडीज के रोल आपको ऑफर किए सर, वो वही हो रहा था सर। एंड ऑनेस्टली अभी भी मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है टू गेट सम अदर कैरेक्टर्स, बिकॉज वो एक छवि बन गई है। इवन द मेकर्स, मैं तो कहता हूँ चलो लोग वो चाहते हैं या समझते हैं, एटलीस्ट मेकर्स जो है हमारे प्रोडक्शन हाउसेज जो है they are from the same fraternity, they should understand the actor's plight, कि यार ये एक्टर है ये भी कर पाएगा। हाँ मतलब हमने तो सर वो किए भी है। मैं कहानी घर घर की से पहले जो कॉमेडी का इमेज था सर, कहानी घर घर की शो जो था वो 9 साल was on air, but अगर तुम एक जगह पे फिर तुम हिट हो गए ना, हाँ that becomes your parameter। तो मैं 9 साल तक सर जब वो कमल कर रहा था देवर का जो ड्रामा, मतलब ड्रामा सीरियस कैरेक्टर कर रहा था, उस वक्त कभी कोई कॉमेडी ऑफर नहीं हुई सर। फिर वो शो ऑफर हुआ, खत्म हुआ, कॉमेडी सर्कस स्टार्ट हुआ, वो दिन है और आज का दिन है सर। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बात है जो माननी चाहिए लोगों को,
लोग कहते हैं कि 1947 के बाद में जो कोई भी लड़का बच्चा पैदा हुआ उसका नाम कभी भी प्राण नहीं रखा गया। सीधे इम्पैक्ट ऑफ प्राण साहब इतने वो, अरे नहीं प्राण नहीं, प्राण नाम नहीं रखने का, प्राण वो है, मतलब कितनी कमाई की होगी। बट ये हमारे यहाँ पर आस्था है जो हम नहीं कुछ कर सकते। सर बताइए आपका कोई फ्यूचर कोई शो है? लास्ट में ये सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। सर शो करना चाहते हैं अपना खुद का शो? अपना खुद का शो कोई करना नहीं, मतलब ऐसा कुछ शो के बाद कभी ये तो नहीं कि आपको खुद को भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्टर लोग कभी कभी गलती करके प्रोड्यूसर बन जाते। नहीं सर, सर मैंने एक फिल्म बनाई थी, मराठी फिल्म प्रोड्यूस की थी, मन पाकरू पाकरू 2008 में। वो एक ही फिल्म, एक ही गलती की मैंने, उसके बाद मुझे रियलाइज हो गया कि मैं दूसरों को चुना नहीं लगा सकता, अपने मुंह पे चुना लगा सकता। दूसरों को चुना नहीं लगा सकते अपने मन। तो उसके बाद ये बोलना है कि एक प्रोड्यूसर के लिए एक दिन की शूटिंग इज लाइक मैरिंग योर डॉटर, जहां आप खड़े हैं गेट के ऊपर और बारात को रिसीव कर रहे हैं, खाना मिला आपको, वो मिला आपको, यू बिकम दैट। सर वो खिलाने के बाद भी बोले सर वो खीर में, खीर में गम था, थोड़ा नमक कम था दाल में, हाँ वो पलाव थोड़ा जला हुआ था आपका, मतलब वो मैंने वो एज अ प्रोड्यूसर मैंने वो झेला है। किसी ने ये भी कहा था सर, कई लोग ऐसे होते हैं हमारे वर्कर्स जो जो घर में शायद कभी नहीं खाते होंगे, मटन चिकन नहीं मिलता, अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ जी, मटन की तरह है जी, चिकन की तरह जी, यू नो यू आर लाइक फादर ऑफ अ डॉटर, यू नो अभी अभी अरे इनको नहीं दिया गया अभी तक। सो कहीं ना कहीं है ये हमारी इंडस्ट्री है, बट वी आर स्टिल ग्रेट। आई मीन तो आपका एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, कि एक वर्ष पहले ही झलक दिखला जा सीजन में आपने अपने एक नए टैलेंट से लोगों को चौंकाया, आप अच्छे डांसर भी रियली सर, और कैसे कॉमेडी के बाद आपने ऐसे शो में जिसमें डांसिंग का शौक है आपका बचपन का? सर वो शो तो मैं नहीं करना चाहता था, और somehow मेरे बच्चों ने मुझे पुश किया सर वो शो करने के लिए। देखा होगा बच्चों का अपना। हाँ हाँ वो बच्चों का सर, बाय द वे मैं आपको बताऊं, मैं मेरे बच्चे के लिए मैं क्या हूँ। एक दिन वाइफ किचन में थी, खाना वाना बना रही थी, आफ्टरनून लंच प्रिपरेशन वगैरह में थी, इवनिंग शाम को तो बेटा जिम जाता है, तो जिम से जब निकलता है तो माँ को फोन करके बोलता है सर कि मॉम मेरे लिए इतना चावल बॉइल करो, इतना प्रोटीन के लिए ये एग वेग ये वो, तो वो उसको बोलता, तो किचन फोन वाइफ का हॉल में था, तो देखा वो सन एज अ गुड हस्बैंड आई टुक द फोन, और मैं फोन लेके गया वाइफ के पास, ऐसे ऑन किया, कुछ किसका है मेरा मियान, तो ऑन किया और ऐसे सुना और स्पीकर हाँ, वो स्पीकर पे ऑन किया मैंने, तो स्पीकर ऑन किया, तो स्पीकर ऑन किया तो मॉम आई एम लिविंग नाउ, मेरे लिए चावल रखना और ये रखना वो रखना फराना ये वो रखना, बोले हाँ ठीक है। तो शी ऑल्सो आस्क्ड के स्पीकर पे कि व्हेन आर यू कमिंग, बस आई एम लिविंग। अच्छा उसके बाद वो मतलब वो उसके बाद बोलता है अच्छा पांडु घर पे है आपके लिए, तो मैं ही हूँ ऐसे देखा, हाँ तो मैं ही हूँ देखा, तो मेरी वाइफ भी ऐसे हुई, बोलते ना पकड़ी गई हूँ, तो बोली हाँ हाँ आजा आजा आजा, ओके हाउ इज ही, मूड ठीक है, हाँ तो मतलब ठीक, वो भी कुछ बोली वो रखती, मैंने कट कर दिया, मैं पांडू कब से हो गया, तो बोलते नहीं वो बीच में तुम्हारा पेट वेट बाहर आ गया था ना बिल्कुल से, तो वो थोड़ा सा मतलब हमेशा तुम्हारा उसको दिखता है सर, वो हमेशा ऐसे था कि डैड कम ऑन यार डू समथिंग वर्क ऑन योरसेल्फ यार, मतलब मेरा एज हो गया बेटा, सडनली मैं ऐसे गिव अप कर दिया था। तो ये शो उन्होंने जानबूझकर मुझे पुश किया कि आप जाओ इसमें थोड़ा आप डांस करोगे, यू लंग ये वो रेलेवेंट हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे, हालांकि आई एम नॉट अ ग्रेट डांसर वो नहीं है, हाँ वन टू उसकी रिदम है सर, और मस्ती कर लेते बस, वेरी गुड करना चाहिए आपके, और वो होता है तो वो फिर क्या कुछ अवार्ड मिला आपको सर? फर्स्ट राउंड में आउट हो गया था
पर बच्चे का आपने दिल रख लिया, बच्चे का दिल लगे, एंड मैं थोड़ा शेप में आ गया था सर, नेचुरली शेप में आ गया था। ओके, नाउ मैं अभी इस प्रोग्राम को यहीं पर थोड़ा सा विराम देना चाहता हूँ। ये अली असगर साहब ऐसे नहीं छूटेंगे हमारे से, हमारा एक बार भी बहुत सालों के बाद रिश्ता बना है। कब कहाँ कब मैं इनको फिर बुलाऊंगा, I'm sure गेट अप में हूँ। नहीं तो एक्सक्यूज मी मुकेश जी, ऐसे बन गया था जो लोग चिल्लाते हैं कभी जिंदगी में ऐसे किया नहीं, पर ऐसा होगा तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं सब मैं मुझे पसंद नहीं है। मर्द होकर औरत के कपड़े पहनते शर्म नहीं आती तुम्हें, मेरी ये फीलिंग है। हालांकि यू आर एक्टर्स वाले भैया, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ब्रहन। अच्छा पता क्या, युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर जिसको मैंने सुनाया था ना उसी प्रोग्राम के लिए, अधर्मराज जी आप समझते हो कि महा मैंने रिसर्च किया है, आओ बैठ के शास्त्रार्थ करते। बोला कि मुकेश जी तो एक्टर थे, उन्होंने कोई रिसर्च कोई पीएचडी की है महाभारत में। मैंने कहा किए मैंने, जितना मैं जानता था महाभारत में पूरी यूनिट में नहीं जानता था मैं, कब बचपन में मैंने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी है बच्चों को पढ़। तो मेरे को जब उसने ये जब कह दिया कि भाई ये जो क्या बात है मैं बता गया, मुकेश जी को क्या एतराज है डांस बुद्धे की, वो लड़की के कपड़े बुद्धे डांस करते, तो ऐसा होता तो उनको महाभारत भी नहीं देखना चाहिए था। अर्जुन ने भी तो उसमें बिरहनल्ला का रोल किया था। अब मैं और बढ़ गया, मैंने कहा तुमको समझ आनी चाहिए, वो बेचारा शाप में, उसको एक शाप मिला था, एक साल अज्ञातवास में जाके वो स्वर्ग में जाके रहा था और उसको देवी ने शाप दिया था कि तुम एक साल जो है तुम वो रहोगे। वो प्रेम दिखा रही थी उसके साथ में, उसको माते माते कर रहा था और उसके वहां पे रंभा बदल के उसको, मैंने कहा वो उसको तुम कंपेयर करते हो आज के हीरो जो ये फोड़ता करते मैं बिट सकती है क्या, वो वहां पर लड़ा उसने बचाया द्रुपद के। मेरी थिंकिंग थोड़ी सी, अब आप बोलोगे 500 साल पुरानी है मुझे नहीं, बट वील चेंज द थिंकिंग सर, आई कम एंड ट्राई, लेट्स डू इट, ट्राई करो, कमिंग सून, ट्राई करो। ओके, तो ये थे हमारे, नहीं अली जी मैं लास्ट में एक बात बोलूं, सर प्लीज कॉल मी अली सर, सर आई एम टू स्मॉल सर, प्लीज आई नो बट मैं तो, अगर तुम स्मॉल हो तो मैं आयुष्मान भव बोल दूंगा तुमको, लेकिन ये आदत पड़ गई मेरे को साउथ से सीखा मैंने, सर 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 बात करते हो ना, अली गाउडू गाउडू बोलते हैं तो अच्छा लगता बोलने को, चाहे छोटा बच्चा भी हो अच्छा लगता है, जी लगाने से थोड़ा सा एक सम्मान मिलता है, मजा भी आता है। हमारी जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर एक उसूल है कि हम जाने वाले को खालियात नहीं भेजते, ये सब लोग तो थक गए होंगे सुन सुन के मेरी बात को, खालियात नहीं भेजते मतलब क्या होता है, हमारी तरफ से थोड़ा सा आपकी आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। अरे और ये वही है जो जिसमें तुमने अभी चाय पी है, अरे सो स्वीट सर, जाके आप इसमें क्या पियेंगे मुझे नहीं मालूम, मैं तो वही है सर मसाला मिल्क, मसाला मिल्क। और ये हमारा जो एक अभियान होना चाहिए पूरे देश भर में, अरे एक पेड़ हर एक लगाओ, एक पेड़ सर, इसके साथ एक प्लॉट भी दे दो सर, ये अच्छा है सर, कि वो कहते कि किसी ने किसी को टाई दी, बोला मुझे आपने टाई दी ना, मुझे पूरा सूट बनाना पड़ा उसके। हाँ, मेरे पास इतने ही है, सब जमा हो गए ना, अभी प्लॉट चाहिए सर, कहाँ दोगे प्लॉट, मेरे यहाँ छोटी सी खिड़की पे 19 पौधे लगाए मैंने, मैं रोज सुबह उठ के पानी, आप छोटा सा योगदान कीजिए, मैं तो बोलता हूँ हर आंगन में पेड़ उगने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली कुछ नहीं पकड़ पा रहे। तो ये थे हमारे अली असगर साहब और इन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत मजा आया, बहुत कुछ मैंने इनसे जाना है पहचाना है, इनको टैलेंटेड है, कमाल के कमिटेड आर्टिस्ट हैं, जिंदगी भी इनकी कमाल की गुजरी है, तो इसको मैं यहाँ विश्राम देना चाहता हूँ। अगले हफ्ते कौन आएगा सर, आप कंक्लूड कैसे कर सकते हैं सर, क्यों स्टार्ट किसने किया था शो, तो मैं खड़ा हो गया, तो शो खत्म भी मैं ही करूंगा सर, स्टार्ट मैंने जब किया था उस वक्त आपसे परमिशन नहीं लिया था, खत्म करने के लिए मैं आपसे परमिशन मांगूंगा सर, चलिए दिया परमिशन, चलिए करिए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमारे साथ जुड़े, अगले हफ्ते हम हाजिर होंगे किसी और सेलिब्रिटी के साथ, लेकिन अब के लिए इस सेलिब्रिटी मतलब अली असगर को इजाजत दीजिए, और इजाजत दीजिए द मुकेश खन्ना जी को, वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स एंड मोर देन दैट वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स को। सो अगले हफ्ते मिलते हैं किसी और सेलिब्रिटी के लिए, तब तक के लिए पौधे उगाइए सर, प्लॉट पौधे उठाइए, प्लॉट नहीं मांगने का, प्लॉट दे दो सर, सब लोग बोलेंगे हमको प्लॉट दे दो, ये पूरी पृथ्वी हमारी है, आपका पूरी पृथ्वी प्लॉट है, कहीं भी उगा दो इसे, लव यू सर, नाइस, मिलते हैं अगले हफ्ते।